अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। यहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें मेरी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ हलाल खुला दे, किसी का मोहताज ना करे। तो जी, आज की जो रेसिपी है वो है आलू वाले पराठे। ये मेरा कल से ही माइंड बना हुआ था कि मैं कल आलू वाले पराठे ज़रूर बनाऊँगी। ये इसकी वजह मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि मैं आज आलू वाले पराठे क्यों बना रही हूँ। अगर बात वही आती है, दिल लगा के खाना बनाया जाए, खाने का भी मज़ा आता है और खाने खुद को भी मज़ा आता है, बनाने में भी मज़ा आता है और खाने वाले को भी मज़ा आता है। आलू ले लिए हसबे ज़रूरत, तकरीबन ये हाफ के जी तो होंगे। आप लोग अपने मुताबिक हिसाब से ले लें जितने आपको पराठे चाहिए। ये नहीं कि मैंने इतने बॉयल किए आपने भी इतने बॉयल करने हैं। नमक ले लिया हाफ टी स्पून, काली मिर्च और लाल मिर्च दोनों मिला के ये 1 टीस्पून से कम है। काली मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ले लिया है अनारदाना, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 1 टीस्पून। थोड़ा सा ले लिया हमने हरा धनिया, 1 ले ली हमने हरी मिर्च और यहाँ पे 2 ले लिए ये हरे प्याज। अगर ये प्याज ना हो तो आप दूसरा प्याज बिल्कुल छोटा सा डाल सकते हैं। इन चीज़ों की कर लेते हैं कटिंग, फिर मैं आपको बताती हूँ। आलू भी छिलका रिमूव कर देते हैं, धनिया, हरी मिर्च और प्याज की कटिंग कर लेते हैं और बहुत ही बारीक कटिंग करेंगे। तो जी, यहाँ पे ये देखें, सारी चीज़ों की कटिंग हो गई है। मिर्च की भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से बहुत बारीक चॉप करेंगे ताकि बच्चों की बाइट में ना आए। ये देखिए, जिन तीनों चीज़ों की कटिंग हो गई है। इस तरह से आलू का छिलका जो है उसको रिमूव कर लेते हैं। ये देखें जी, लास्ट वाला आलू है, सारे आलू छिलका रिमूव कर लिए, छोटी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनारदाना भी साफ कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको कर लेते हैं मिक्स इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, पिसा हुआ गरम मसाला भी रखा था और ज़ीरा भी रखा था, जो मैं डालना भूल गई थी। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं,
बिल्कुल हाफ टी स्पून से भी कम पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ टी स्पून से भी कम ज़ीरा, टेस्ट के लिए ये चीज़ें होती हैं। फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि आज आलू पराठा जो मैं बना रही हूँ ये मैं क्यों बना रही हूँ। कुछ मेरी बहनें जिनको नहीं बनाना आता पराठा, बिल्कुल भी नहीं आता, कल मुझे किसी ने बड़े ही दिल से भेजा था, लेकिन आगे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, आप खुद देख लीजिएगा। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहती। हाँ, लेकिन अगर आपको नहीं बनाना आता कुछ भी, जो भी नहीं आता, मैं वीडियो इसीलिए बनाती हूँ जिनको खाना वगैरह नहीं आता, और मैं इजी रेसिपियाँ देती हूँ कि बनाने में मुश्किल ना हो। घर के मसालों में ही ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं कि जो इजीली सब बना सकें। इसमें भी अब कुछ खास नहीं है, वही चीज़ें हैं जो आम हमारे घर में मौजूद होती हैं। अब इस तरह से हमने लेने बहुत छोटे पेड़े, ये नहीं है कि बड़े बड़े पेड़े ले रहे। जैसा कि कल वाली रोटी थी, बहुत माजरत के साथ कह रही हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो माइंड मत कीजिएगा। और वो पराठा मुझे इसलिए पसंद नहीं आया था, उसमें जो आलू का मटेरियल था वो बहुत कम था, बहुत ही कम था। अगर आप आलू वाला पराठा बना रहे हैं तो मटेरियल इतना होना चाहिए कि खाने में मज़ा आए। और दूसरी बात ये थी, उन्होंने पेड़ा बहुत बड़ा लिया हुआ था, और सिर्फ उन्होंने ना मिड में यहाँ पे आलू रखे हुए थे, सिर्फ यहाँ पे। उनको शायद ये लग रहा था कि मैं पूरे रोटी के ऊपर अगर फैलाऊंगी तो शायद वो बंद नहीं होगा, या जो भी उनके जहन में बात थी, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही आज मैंने ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाई है कि वो देखें और उनको पता चले कि अगर हम पूरे पेड़े के ऊपर भी आलू रखते हैं तो कोई मसला नहीं होता। इस तरह से छोटे छोटे पेड़े लेंगे, चाहे मूली वाला पराठा बना रहे हैं, कीमे वाला बना रहे हैं, आलू वाला बना रहे हैं, इस तरह से छोटे छोटे पेड़े लेंगे, तो इस तरह से छोटे छोटे से टिकियाँ बेल लेंगे। ये देखें, आपके सामने ही मैं जो अमेजा हमने रखा है वो डालेंगे। ये देखें, मैंने पूरे पेड़े के ऊपर फैला दिया जो मैंने रोटी बेली है, इस तरह से, ये देखें। और इसमें उन्होंने कुछ नहीं डाला हुआ था सिवाय धनिया, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, और लाल मिर्च और नमक थे। अगर इस तरह से चीजें डाल के बना हो तो बहुत ही मजा खाने में आता है। ये देखें, पूरी रोटी पे ही तकरीबन मैंने लगा दी है, किनारों पे भी लगा दी है। ये आपके सामने है। अब दूसरी रोटी उठाएंगे और इस तरह से लगा देंगे। यहाँ यहाँ से कम लग रही है, उसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे और रोटी पूरी हो रही है। अब इसको हाथ से ही हम बेल लेंगे। बेलने से मुराद है इस तरह से टक टक करेंगे और रोटी बन गई है। ये देखिए, बहुत बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें, तवा गर्म होने के लिए रखा हुआ है, हल्का सा ऑयल लगाएंगे। इस तरह से पराठा डाल देंगे। ये देखें, एक साइड जो है उसकी पक गई है, पहली साइड पे हल्का सा घी या ऑयल जो भी यूज करते हैं इस तरह से लगा लें, फिर इसकी साइड कर दें चेंज। इधर भी लगा दें, दूसरी साइड पे भी घी लगा दिए, साइड चेंज करेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे पराठे को हम गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी सा बना लेंगे। अगर हम आंच जो है वो तेज रखेंगे और पराठा जल जाएगा, ना तो इसकी कुछ शक्ल हो गई और ना ही ये खाने को दिल करेगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा पराठा बन गया। इसी तरह से सारे पराठे हम बना लेंगे, लेकिन मैं सारे पराठों की वीडियो नहीं दिखाऊंगी,
क्योंकि ये मैं साथ साथ ही बच्चों को देने लगी हूँ। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, उनको खाना चाहिए, साथ साथ ही खाते जाएंगे। गरम गरम पराठों का मज़ा ही और होता है। ये लें जी, आलू वाला पराठा हो गया रेडी। आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है, लाइक भी करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट रेसिपी के साथ। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। दही है साथ, शक्कर डालें, चीनी डालें, जो भी पसंद है डालने और इंजॉय करें। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।